करना पड़ेगा। अब बोल। सर प्लीज आप शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? क्या तुम्हें क्या लगा मैं कोई पागल कस्टमर हूँ? अब दिखाता हूँ पागल किसे कहते हैं। किसी से कोई रोकिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा कि घर के लिए जो सेविंग्स है उससे सर्जरी करवा लेते हैं, लेकिन माँ मानती नहीं। सर जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मैं जानता हूँ तेरे जैसे लोगों को कैसे समझाया जाता है। अब तू कौन है? हाँ छोड़, सुनाई नहीं दे रहा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मेरे पास तेरे जैसे फालतू लोगों से बात करने का टाइम नहीं है। जा सीईओ को बुला। वो जहाँ भी है उसे यहाँ बुलाओ। मैं ही सीईओ हूँ। क्या? मैं ही हूँ सीईओ। तो तुम सीईओ हो, ये बताओ ऐसे लोगों को काम पे क्यों रखा है? सही कहा, शायद एम्प्लॉय ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई। मिस किमिन जी, आज से सिर्फ कस्टमर्स को सर्विस दो, मुजरिमों को वार्न करने की जरूरत नहीं है, उनकी सीधा कंप्लेंट करो। क्या क्या मुजरिम? वाह, अब तुम कस्टमर्स को मुजरिम बुलाओगे? बेबी क्या तुम इसका वीडियो बना रही हो? हाँ बेबी, लोग भी तो देखे सीईओ कैसे अपने पोजीशन का फायदा उठा रही है। इसको सबक सिखाना होगा, केस कर देते हैं इस पर। सही कहा। ठीक है तो मैं भी आप पर केस करूंगी। क्या करना है मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक वकील हैं, और यहाँ जो केस होगा वो होगा सोशल वायलेंस, बिजनेस डैमेज और साथ ही प्रॉपर्टी डैमेज का, और मैं अलग से बिजनेस के दौरान किए गए डैमेज का भी क्लेम डालूंगी। इसे रिकॉर्ड किया है किसी ने? इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाइए प्लीज। अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, उन्हें पकड़ो। अरे हमने कुछ नहीं किया, उनकी गलती है। थैंक यू सो मच मैम। वैसे मिस्टर बेक, आप यूथ एसोसिएशन के पाक्सो खून को जानते हैं? हाँ, उसने क्या किया? मैंने सुना है कि वो हर जगह ये कहता फिर रहा है कि गांव का फिलहाल जो फोरमैन है